नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रामा मैथ्स क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि मित्रों, आजकल आनंद स्पर्शी पर आधारित वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसी कड़ी में मैंने कुछ मोस्ट आईएमपी प्रश्न और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पर संबंधित क्वेश्चन आज लिए हैं। जिसमें कि मेरा पहला क्वेश्चन है कि nवें घात के एक बीजीय वक्र की अनंत स्पर्शी की संख्या होती है। मतलब कि अगर हमारे पास में कोई एक वक्र दिया गया है, उसमें उच्चतम घात है, अगर वो 3 है तो उसकी अनंत स्पर्शी कितनी हो सकती है? मेरा ऑप्शन 1 है, न्यूनतम 1, एन से कम नहीं, एन से अधिक नहीं, और जो चौथा ऑप्शन है वो आधी वास्तविक है, मतलब n/2 वास्तविक, और कॉमा आधी काल्पनिक है, मतलब n/2 काल्पनिक। तो जैसे कि मित्रों, आपको पता है कि अगर हमारे पास में 3 डिग्री का कोई एक इक्वेशन है, तो हमारे पास में जो m के जो मान थे वो 3 ही मिल सकते थे, उससे अधिक नहीं। इसका मतलब अगर एक nवा घात का बीजीय वक्र है, तो उसमें हमारे पास में अनंत स्पर्शी संख्या n से अधिक नहीं हो सकती है। अतः इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? सी होगा। ऐसे ही मित्रों, अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बंद वक्र की अनंत स्पर्शी है। बंद वक्र का मतलब हम समझ सकते हैं क्लोज कर्व, जैसे कि सर्कल होता है। तो अगर हमको पूछा जाए कि भाई उस बंद वक्र की अनंत स्पर्शी कितनी हो सकती है, तो पहला ऑप्शन है अनंत, क्या इन्फिनिटी हो सकती है? दूसरा ऑप्शन है परिमित, क्या परिमित फाइनाइट हो सकती है? और तीसरा ऑप्शन है कोई नहीं। तो हम जानते हैं मित्रों कि अनंत स्पर्शी क्या होता है। अनंत स्पर्शी वह होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी वक्र को अनंत पर जाकर के स्पर्श करती है। तो मित्रों, अगर वक्र ही बंद हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो अनंत स्पर्शी, वो स्ट्रेट लाइन उसको जाकर के कहीं पर भी स्पर्श कर नहीं पाएगी। आप इसको खुद भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन कौन सा होगा मित्रों? कोई नहीं, मतलब किसी भी बंद वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं होती है। हमेशा जो खुला वक्र जो होता है, ओपन कर्व, उसी के अनंत स्पर्शी निकाल सकते हैं। अब मित्र आ जाओ, प्रश्न नंबर 3 पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी ज्ञात करें। हमने दो प्रकार के अनंत स्पर्शी पढ़े थे मित्रों, एक तो थी पैरेलल और थी एक थी ओब्लिक, मतलब समांतर और तिर्यक। तो समांतर में भी दो प्रकार की हो सकती हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। तो इस प्रश्न में पूछा गया हमको कि ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए ये 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए मित्रों, हम जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी y के गुणांक को 0 के बराबर रखने से प्राप्त होती है। तो मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिला मुझे? y इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-1। ऐसी स्थिति में हम y के गुणांक को 0 के बराबर रखते हैं, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास में क्या आंसर मिलता है? x इक्वल टू -2। मतलब अगर इन ऑप्शन में से देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा मित्रों? ए वाला ऑप्शन होगा। अर्थात हमें इस वक्र के लिए ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी 1 मिलेगी, और जो क्या आएगी? x इक्वल टू -2। अब देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है कि वक्र हमको दिया हुआ है ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर की हमें अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है। ये सब मैंने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है, तो मित्रों सबसे पहले हमें जो भी x की उच्चतम घात का गुणांक होगा उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो मित्रों, मुझे इसको सॉल्व करने के बाद में वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलता है। इसको मैं हल करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर, मतलब वाई इक्वल टू √-b2। अर्थात इसकी कोई भी क्षैतिज अनंत स्पर्शी नहीं होगी, क्योंकि ये एक रियल नहीं मिलेगी। मित्रों दिख रहे हैं आपको हमको, क्योंकि हमको y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है √ के अंदर, मतलब हमें इस प्रश्न में कोई भी क्षैतिज अनंत स्पर्शी नहीं मिलेगी। अब हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर के लिए उसको हम y के लिए हल करते हैं। इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में इसको हम वाई के लिए हल करते हैं, तो वाई की उच्चतम घात का गुणांक 0 के बराबर रखते हैं। तो मित्रों हमें प्राप्त होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू +-a। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में इस वक्र के लिए एक दो ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी, जो कितनी आएगी? a और माइनस का है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? डी। एक प्रश्न मैंने और लिया है मित्रों, यह है y इक्वल टू 2x² - 5x+8 अपॉन 5x² + 3x-2, और पूछ रहा है इसमें से गलत कथन कौन सा है जो 4 ऑप्शन में से। सबसे पहले मैं इसके लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो y इंटू क्या मिलता है मुझे? 5x² + 3x-2 इक्वल टू 2x² - 5x+8। तो मुझे इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों ही पूछ रहा है। सबसे पहले मैं इसमें इसको x के लिए
चेक करता हूँ, तो उसको जो मैं ट्रांसफर करता हूँ और मैं एक्स की उच्चतम घात का जो गुणांक होता है एक्स स्क्वायर इंटू 5y-2 इसको 0 के बराबर करता हूँ, मुझे क्या मिलता है वाई इक्वल टू 2/5 जो कि मेरे ऑप्शन में आ रहा है, मतलब ये तो मेरा सही है। इसके बाद मैं इसको अब मैं वाई के लिए हल करता हूँ, तो मेरे पास में जो वाई का गुणांक है 5x² + 3x-2 इसको मैं फैक्टर करता हूँ, तो दो फैक्टर मिलते हैं 5x-2 और x+1, और जो राइट हैंड वाले को मैं लेफ्ट हैंड की तरफ ले आता हूँ। अब जब मैं वाई के गुणांक को 0 के बराबर करता हूँ तो मुझे दो ऑप्शन मिल जाते हैं एक्स इक्वल टू 2/5 और एक्स इक्वल टू -1, तो जो भी ये दोनों भी इस ऑप्शन में है। तो मित्रों हमें पूछा गया था कि कौन सा गलत कथन है, तो हमारे पास में जो सी ऑप्शन था एक्स इक्वल टू 1 वर्टिकल एसम्प्टोट, मतलब ये एक ऊर्ध्व अनंतस्पर्शी होगी, तो मतलब वो हमारा आंसर इसमें से हमें नहीं मिलेगा, तो इस प्रश्न के हिसाब से वही हमारा सही उत्तर होगा। मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके कमेंट भी हमें साथ साथ देते रहें, मैं आगे और भी आनंद स्पर्शी पर आधारित वीडियोस डालता रहूँगा।